आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आप सच में स्टन्ड रह जाएंगे कि ये चीजें तो हमने अपने सामने एक्सपीरियंस की, लेकिन आज तक YouTube के इन सीक्रेट्स पर हमने कभी भी गौर नहीं किया। तो ये वीडियो स्पेशली मैं यूट्यूबर्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आप बिगिनिंग लेवल पे हैं या आपके सब्सक्राइबर्स कम हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, और अगर आपके पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स है तब भी आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप स्किप करते हैं या लास्ट तक नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी ना मिले, वो भी हिंदी में। और वो कहते हैं ना कि कभी कभी आखिरी चाबी भी दरवाजे का ताला खोल देती है, तो ऐसा ही कुछ समझिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ ऐसा सीख जाएं जो कि आपके चैनल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक को ओपन जरूर करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ये सोचकर कि वो भी मेरा ही चैनल है। नाउ लेट्स बिगिन। थर्ड नंबर पे हम बात करने वाले हैं वीडियो रैंकिंग मिथ के बारे में। आपने नोटिस किया होगा आजकल जितने भी सो कॉल्ड यूट्यूब एक्सपर्ट हैं वो आपको और कुछ बताएं या ना बताएं, लेकिन बात बात पे वॉच टाइम बढ़ाओ, वीडियो लंबी बनाओ, टाइटल चेंज करो, वायरल टैग्स डालो, यही सब बातें राउंड एंड राउंड करके बोलते रहते हैं। नहीं मतलब बेवकूफ भी ऐसे बनाते हैं कि आप लोग भी कहते होंगे वाह भाई क्या बात बता दी इसने। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इतना ज़रूर याद रखिएगा कि वीडियो लंबी बनाने से कुछ भी नहीं होता, मेन चीज़ होती है ऑडियंस रिटेंशन, मतलब ऑन एन एवरेज एक व्यूअर आपकी वीडियो कितनी देर तक देखता है। बस आप कोशिश करें कि आपकी वीडियो का रिटेंशन 50% से ज़्यादा रहे, उसके बाद YouTube खुद उस वीडियो को रैंक करेगा और सजेस्टेड में सेंड करेगा। इसका प्रूफ आप खुद देख सकते हैं, जब भी कोई इंसिडेंट या घटना होती है तो उससे रिलेटेड न्यूज़ या वीडियो टॉप पर ही आती है, चाहे वो वीडियो एक मिनट की ही क्यों ना हो। तो कोशिश करिए अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाइए और लेटेस्ट या मैं कह सकता हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक पर ही वीडियो बनाइए। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा ऑडियंस रिटेंशन होगा, और जितना अच्छा ऑडियंस रिटेंशन होगा वीडियो गारंटीड वायरल होगी। बाकी का काम आपको यूट्यूब पर छोड़ देना है। नंबर 4, लाइक्स डिसलाइक्स रिलेशन विद यूट्यूब सजेशन। फ्रेंड्स आप लोग के स्टार्टिंग करियर में जब भी आप वीडियोस अपलोड करते होंगे तो कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपकी कोई वीडियो व्यूअर्स को पसंद ना आई हो और उस पर डिसलाइक थोड़े ज्यादा आ गए हों। उस केस में आप में से ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि चलो लाइक डिसलाइक्स को हाइड कर देते हैं, नहीं तो अगर ज्यादा डिसलाइक्स हो गए तो ज्यादा व्यूज नहीं मिलेंगे और यूट्यूब आपकी वीडियोस दूसरे वीडियोस के सजेशन में नहीं ले जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है फ्रेंड्स कि डिसलाइक बटन का कोई भी रोल नहीं होता है यूट्यूब में, और इसका वीडियो रिकमेंडेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस चीज़ को मैंने यूट्यूब के ब्लॉग में पढ़ा था, और साथ में वर्ल्ड के जो नंबर 1 यूट्यूबर्स हैं सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे उन्होंने भी अपनी वीडियो में खुद इस चीज़ को बताया है। यहाँ तक मैंने अपनी खुद की 2 वीडियोज़ में इसे सही पाया है जब मैं यूट्यूब पे बिगनर हुआ करता था। इसीलिए डिसलाइक से परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बस धीरे धीरे अपनी वीडियोज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाइए।
लास्ट नंबर पे मैं बताना चाहूँगा कॉपीराइट क्लेम के बारे में। फ्रेंड्स, शायद आज आप यूट्यूब पे सक्सेसफुल हों या ना भी हों, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक तो आपको कभी ना कभी ज़रूर मिली होगी। कुछ लोगों ने स्ट्राइक हटाने का वेट किया हुआ 3 मंथ्स तक, और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 1-2 दिन में ही स्ट्राइक रिमूव करवा ली होगी। तो अब बात आती है कि ऐसा क्यों और कैसे होता है, किन लोगों की स्ट्राइक रिमूव हो जाती है 1-2 दिन में और किन लोगों को वेट करना पड़ता है 3 महीनों तक। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट बिहाइंड कॉपीराइट स्ट्राइक, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आप में से ज्यादातर लोगों को तो नहीं पता होगा। असल में कई केसेस में क्या होता है कि जब भी कोई कॉपीराइट क्लेम करता है किसी भी वीडियो पे, तो YouTube पहले बिना चेक किए नॉर्मल स्ट्राइक दे देता है, बिना ये देखे कि क्या सच में दोनों वीडियोस मैच करती हैं। और जब आप कॉपीराइट क्लेम को रीट्रैक करते हैं, तब YouTube उसे चेक करता है। अगर आपने दूसरी वीडियो का कंटेंट नहीं यूज किया है, तो आपके चैनल की स्ट्राइक 1-2 दिन में हट जाती है। लेकिन अगर आपने कॉपीराइटेड कंटेंट यूज किया होता है, तो आपको नेक्स्ट चांस नहीं मिलता है अपील करने का, और आपको वेट करना पड़ता है ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव होने का, यानी 3 महीनों तक। सो अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है और अगर आपकी वीडियो पे कोई फेक स्ट्राइक भी आ जाती है, तो टेंशन मत लीजिए, रिट्रैक्ट करने पर स्ट्राइक इजिली रिमूव हो जाती है। सो गाइस, ये थी यूट्यूब के बारे में कुछ 5 ऐसी सीक्रेट बातें जिन्हें आपने एक साथ और वो भी हिंदी में कहीं भी नहीं देखा और सुना होगा। और अगर आप इन 5 बातों को समझ लें और फॉलो करें, तो आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। वंदे मातरम।